उत्तराखंड में अब डाक विभाग में फर्जी नौकरी का मामला सामने आया है। पौड़ी जिले में डाक विभाग को मिले नए डाक सेवकों के दस्तावेजों की विभागीय जांच में दो डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। दोनों डाक सेवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले दो डाक सेवक जांच होने की बात सुनकर ही फरार हो गए। डाक विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चयनित चारों डाक सेवकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। कुछ मामले जो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से दो से चार मामले जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुए हैं, वो फर्जी पाए गए हैं। और दो बंदे तो ऐसे थे जो कि जैसे ही उनको लगा कि डाउट हुआ, वो जो है फरार हो गए। तो इस तरह की चीजें। सर, क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई? नहीं, जैसे अंक तालिका में नाम जो है उनका सेम था, अंकों में कहीं जगह पे अंकों में वेरिएशन था, कहीं पर माता पिता के नाम में वेरिएशन था। तो यही चीजें हैं, तो उससे लगा कि हमें कि ये जो है सही नहीं है। नहीं, विभागीय कार्रवाई में एक तो नियुक्ति की जो उनकी जो है रद्द कर दिया गया है, और चूंकि वो फरार हो गए तो इसलिए अब जो चूंकि फरार हो चुके हैं तो हमारे पास जो है डिटेल्स नहीं, मतलब उनके खिलाफ कोई समुचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। जो होगा वो हम करेंगे। सर, जो दो अभ्यर्थी थे जो फरार नहीं हुए थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए? उसमें जो है हम आगे पुलिस कार्रवाई करने के लिए जो है व्यस्त है। आपको बता दें कि भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पौड़ी जिले के डाक विभाग को 165 डाक सेवक मिले हैं। इनमें 77 नव नियुक्त डाक सेवक पौड़ी मुख्यालय में भेजे गए हैं। पदभार संभालने के लिए लिखे जाने वाले पत्र में नव नियुक्ति डाक सेवक हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों में उनके अंक 96-97% है। डाक अधीक्षक के मुताबिक अब तक 77 डाक सेवकों के प्रमाण पत्र की जांच प्रक्रिया चल रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।